नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुशील शुक्ला ने की गृहमंत्री यानी अमित शाह की शिकायत, धार्मिक विद्रोह फैलाने का लगाया आरोप, कहा दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे शाह। महासमुंद में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय का बीजेपी पर हमला, छत्तीसगढ़ की जनता को डराने का आरोप, कहा अमित शाह जनता को दे रहे धमकियां। करवदा से मोहम्मद अकबर ने भरा नामांकन, अकबर के साथ दिखे हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस करा रही टारगेट किलिंग। सरायपाली में सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने की सीईओ से शिकायत, लिखित शिकायत देकर जांच की मांग। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला एवं प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर समेत कई कांग्रेसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर शिकायत करने मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहुंचे, जहां उन्होंने अपने शिकायत विषय में लिखा कि बीजेपी नेता देश के गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा राजनांदगांव में की गई हेट स्पीच और दंगा भड़काने की कोशिश की शिकायत। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी के राजनांदगांव के प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के लिए आयोजित सभा में दिए गए अपने भाषण में दंगा भड़काने के उद्देश्य से गलत बयान दिया। वहीं आगे कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए ये बयान दिया है, साथ ही जो कहा गया वो बिल्कुल झूठ है। हकीकत तो ये है कि हिंसा और प्रतिहिंसा के इस मामले में सरकार ने कार्रवाई की थी और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आए थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का नामांकन दाखिल कराने। नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने जो चुनावी सभा को संबोधित किया उसमें हेट स्पीच किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ कहा वो कहीं कहीं आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने आज अमित शाह के खिलाफ, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत किया है। हमने मांग किया है कि अमित शाह को देश भर में चुनाव प्रचार से रोका जाए। वो पूरे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। कल उनका जो भाषण था वो दंगा भड़काने की कोशिश थी, उसकी शुरुआत थी। कल ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट करके आपत्ति दर्ज कराया था और AICC के द्वारा भी इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। खबर सरायपाली से है, जहां जोगी डीपा गांव आदर्श गांव घोषित है और वहां के सैकड़ों ग्रामीण आज जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और सरपंच सचिव पर विभिन्न योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया, साथ ही लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 सालों से गांव में सीसी रोड और स्कूल भवन, तालाब निर्माण और अन्य निर्माण कार्य नहीं हो रहा, फर्जी तरीके से निर्माण कार्य को पूरा बताकर राशि आहरण किया गया है और तमाम आरोपों की जांच के लिए लिखित शिकायत जनपद कार्यालय में की गई। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि ग्रामीण आए थे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत आवेदन दिया है और जल्द ही शिकायत आवेदन की जांच के लिए जांच टीम गठित की जाएगी। मुझे ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त होने की निंदा में निर्माण के मुंडा के आश्रय ग्राम जमीन पर शामिल आदर्श ग्राम योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ से टीम गठित करूँगा और टीम के द्वारा रिपोर्ट आने पर उस पर आवश्यक कार्रवाई का प्रोसेस करूंगा। सर, जिस ग्रामीण को गंभीर आरोपी के कार्य पूर्ण नहीं हुआ और पूर्ण बताकर राशि आहरण कर ली गई, अगर शिकायत सही पाई जाती तो किस तरह की कार्रवाई होगी? तो टीम के गठित होने के बाद जो भी उसका
प्रतिवेदन मिलेगा, उसके आधार पर हम आवश्यक कार्रवाई की कोशिश करेंगे। अब गांव के विकास समस्या जो है, सीसी रोड है, स्कूल है और तालाब निर्माण है, कई कई ठीक समस्या लेके आए साहब। तो आप लोगों ने जो आवेदन दिया है उसमें क्या मांग आपके द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा की गई है? आज करीब 4 वर्ष हो गया, आज तक कोई काम नहीं हुआ है, फर्जी निकाल करके लोग राशि हरण किए हैं। तो आपका आरोप किन के ऊपर है, किन लोगों ने फर्जी निकासी किया है, वो लोग कौन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम मनोहर सरपंच है और सचिव रुक्मण है। महासमुंद के स्थानीय प्रेस क्लब में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हार का डर अभी भी बीजेपी को सताने लगा है। तभी बीजेपी के बड़े नेता बोखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता को ईडी सीबीआई के नाम पर डराने धमकाने और सताने की चेष्टा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के झूठ और अमित शाह के इन धमकियों का छत्तीसगढ़ की सौम्य सहनशील सत्यमार्गी जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों की चर्चा प्रदेश के कोने कोने में है। पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से जितने वादे हमने किए थे उन सभी वादों को बखूबी पूरा किया है। कुछ मुद्दे हैं, भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आए दिन आ रहे हैं और आए दिन यहाँ के सौम सहनशील शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोगों को धमकाने का काम, ईडी सीबीआई का धमकी दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये प्रदेश जो है शांति का प्रतीक है, ये प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है गांधीवादी विचारों का प्रदेश है, इस प्रदेश में सहिष्णुता और सौहार्द हमेशा रही है। चुनाव के लिए राजनीति करने वाले लोगों को ये सोचना होगा कि सत्ता सियासत राजनीति होती रहेगी लेकिन शांति रहनी चाहिए। जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, जिस तरह से यहाँ जनता को एक तरह से कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर दिखाने का काम किया, जिस तरह से कुछ मुद्दे ऐसे उछाले जो सांप्रदायिक उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा का की बू आती है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 से मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को विधानसभा सदस्य के लिए नामांकन फार्म प्रस्तुत किया। उन्होंने ये नामांकन फार्म कवर्धा रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रस्तुत किया। वहीं कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से ये पहला नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ। इस अवसर पर उनके 4 प्रस्थापक उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार मोहम्मद अकबर ने एक बार फिर कवर्धा में कांग्रेस सरकार बनाए जाने के दमखम दिखाते नजर आए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम कवर्धा में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार 75,000 पार वोटरों का समर्थन मिलने जा रहा है। बसना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सपंत अग्रवाल ने आज बसना नीलांचल सेवा समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब दिया। सपंत अग्रवाल ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका होती है और इसे नकारा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव सपंत अग्रवाल नहीं बल्कि पूरा बसना विधानसभा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। नीलांचल सेवा समिति में 80,000 से अधिक माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं जो आज बीजेपी में प्रवेश कर चुकी हैं और नीलांचल सेवा समिति के द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा समाज सेवा का उद्देश्य लेकर कार्य किया जा रहा है और इस कार्य के परिणाम स्वरूप विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसे आप लोगों का मीडिया का एक परिवार है। परिवार में मांगने का अधिकार सबको है। एक चीज है, मिलेगा तो किसी एक को यह तय है। 12-15 लोग मांग रहे थे, बाकी एक को जब दे दिया गया तो न किसी को बुलाना पड़ा न मनाना पड़ा, सब एक मंच में दूसरे दिन आ गए। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है वो भी टिकट की दौड़ में थे, सम्माननीय रूप कुमारी चौधरी जी, उन्होंने सबसे पहले मुझे बधाई दी, भैया बधाई हो और हम लोग अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भी जितने प्रत्याशी इसमें दौड़ में थे, निश्चित ही वो भी अनुभवी है, मेरे से ज्यादा अनुभवी है। बाकी जब पार्टी ने
एक परिवार के सदस्य होने के नाते मेरे को दे दिए, तो उन्होंने सबने उसका सम्मान किया पार्टी के आदेश का और सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा लिया गया है। कांग्रेस के समय में सुपारी किलिंग की घटना बढ़ती जा रही है। भिलाई के ओम प्रकाश की टारगेट किलिंग से हत्या करा दी गई क्योंकि उसने महादेव सत्ता ऐप के पैसे वापस नहीं दिए थे। कांग्रेस के राज में अपराधियों को सहारा मिल रहा है। वहीं बस्तर में कांग्रेस के नेता सरजू टेकाम ने खुलेआम अपने भाषण में कहा था कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता आएगा तो उसे काट डालेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार क्या कर रही है, टारगेट किलिंग के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा अन्य पार्टियों से ऊंची रहे, इसके लिए कहीं 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 ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग कर रही है। हम सब जानते हैं कि बस्तर के क्षेत्र में नक्सलवाद की आड़ में नक्सलवादियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई, उसे नक्सलवाद का रूप दिया गया। वहां हम बार बार आरोप लगाते रहे, अब एक नई चीज सामने आ रही है, सुपारी किलिंग। एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी फिरौती के लिए घटना हुई, तब मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया कि ये पत्रकार भाइयों के सामने इस विषय को रखना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, ये सीधे साधे यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों का छत्तीसगढ़, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, ये कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। अभी सुपारी किलिंग की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि 31 मई को भिलाई के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई, वो गुमशुदा थे, बाद में स्कूटी से बंधी हुई रस्सी में से के साथ बंधी उनकी लाश तालाब से मिली और शव छत विछत हो चुका था। पुलिस ने बताया कि इसे 20 लाख रुपए की महादेव सट्टा ऐप की वसूली बाकी थी और वो वसूली के लिए सुपारी लेने वाले लोग दुबई से सुपारी 10 लाख रुपए में लिए थे कि या तो पैसा वसूल करो या काम तमाम करो ताकि महादेव सट्टा ऐप चलाने वालों की दहशत बनी रहे। डोंगरगांव नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ हुआ और माता रानी की आराधना की गई। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश पटेल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, विधायक प्रत्याशी भरत वर्मा, पूर्व जिप अध्यक्ष दिनेश गांधी, एफसीआई के पूर्व अध्यक्ष नीलू शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि डोंगर गांव नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ हुआ और माता रानी की आराधना की गई। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश पटेल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, विधायक प्रत्याशी भरत वर्मा, पूर्व जिपा अध्यक्ष दिनेश गांधी, एफसीआई के पूर्व अध्यक्ष नीलू शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 85 सीटों पर उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। नाम घोषित होने के बाद प्रत्याशियों का जनता के बीच पहुंचना और तेज हो गया है। ऐसे में ही बिंद्रावगढ़ के विधायक प्रत्याशी गोवर्धन मांझी का टिकट घोषित होने के बाद आज गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गोवर्धन मांझी को मिंद्रावगढ़ की तीसरी बार बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मांझी ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने
85 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नाम घोषित होने के बाद प्रत्याशियों का जनता के बीच पहुंचना और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसे में बिंद्रावगढ़ से विधायक प्रत्याशी गोवर्धन मांझी का टिकट घोषित होने के बाद वो आज गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। गोवर्धन मांझी को बिंद्रावगढ़ से तीसरी बार बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। चुनाव जीतना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि हमारा एक टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जो हमारा पूरा क्षेत्र में आज बहुत उत्साहित है। हमारे कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मैं इसके लाइफ में और जब जितना अपन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं देखा था, जितना आज लोग उत्साहित हैं। कुछ प्रत्याशी जो है, कुछ प्रत्याशी बगावत कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? एक हमारे भागीरथी मांझी जी बगावत कर रहे हैं, अब उनको भी सोच रहे हैं हम मनाने मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं मानते हैं तो अब कुछ ज्यादा कुछ हमको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा मैं समझता हूँ। ऐसा लगता है उनके विरोध के बाद भी आप अपना सीट निकाल लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे मतों से नहीं, रिकॉर्ड मतों से हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीरगांव रायपुर में नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया था। इस सम्मेलन का मकसद चुनाव में नव मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ना है। कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी छोड़कर गए कई कार्यकर्ताओं की घर वापसी भी कराई। बृजमोहन ने कांग्रेस के युवा विरोधी नीतियों को नव मतदाताओं के सामने रखा। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों की बात करने वाली भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बृजमोहन अग्रवाल ने वादा खिलाफी को लेकर भूपेश बघेल को घेरा और कहा कि भूपेश बघेल ने 5 सालों में वादे तो बहुत किए हैं लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस को सबक सिखाने और बहुमत से भाजपा को जिताने की अपील भी की। बता दें कि वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बीरगांव रायपुर में नव मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया। इस सम्मेलन का मकसद चुनाव में नव मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ना है। कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी छोड़कर गए कई कार्यकर्ताओं की घर वापसी भी कराई। बृजमोहन ने कांग्रेस की युवा विरोधी नीतियों को नव मतदाताओं के सामने रखा। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों की बात करने वाली भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। बृजमोहन अग्रवाल ने वादा खिलाफी को लेकर भूपेश बघेल को घेरा और कहा कि भूपेश बघेल ने 5 सालों में वादे तो बहुत किए हैं लेकिन काम एक भी नहीं किया। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस को सबक सिखाने और बहुमत से भाजपा को जिताने की अपील भी की। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर कानून और व्यवस्थाओं का संदेश दिया गया। इस दौरान चिन्हित एरिया का भ्रमण किया गया और अधिकारियों का जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं नगर निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत शुक्लू थाना शिवानी प्राण मोती और रोहाना कला में अधिकारियों ने पैदल मार्च कर आमजन से चर्चा की और उनसे कई जानकारियां और फीडबैक प्राप्त किए। छिंदवाड़ा जिले में माननीय डीएम महोदय के साथ आज पुलिस हमले का भी भ्रमण है। हम लोग जितने भी वल्नरेबल पॉकेट चिन्हित किए गए हैं उस पर भ्रमण करके वहाँ का क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी असेस कर रहे हैं। प्रयास ये है कि हमारे विजिट से यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और ग्राउंड लेवल से हमें सूचना भी प्राप्त हो सके कि कौन लोग ऐसी वल्नरेबिलिटी पैदा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है उसका असेसमेंट कर सकें। ऑलरेडी इसमें बाउंड ओवर इत्यादि कार्रवाई की जा रही है और पब्लिक से फीडबैक लेकर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा विधानसभा के डिफरेंट वल्नरेबल पॉकेट्स में हम लोग विजिट कर रहे हैं और जो क्रिटिकल उसके भीतर मतदान केंद्र हैं वहाँ पर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्रिटिकलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं और
उस संबंध में जो भी आवश्यक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करनी है उसके लिए प्लानिंग किए जा रहे हैं, ताकि लोग फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेहर में बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने जनसंपर्क किया, जहां उनके स्वागत के लिए लाडली बहना और मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियों ने जमकर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि सरकार के लिए इस बार चुनाव लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी बेटियां लड़ रही हैं। पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कारण आज हर वर्ग की महिलाओं और बेटियों को पूरे प्रदेश में अलग ही सम्मान और बराबरी का दर्जा मिला। मेहर विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश में इस योजना की क्रांति तेजी से फैल रही है। वहीं जनसंपर्क में श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया, क्योंकि बीजेपी सरकार पारिवारिक पार्टी है और एक परिवार की तरह पूरा प्रदेश नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। खबर मेहर से है, जहां पूर्व बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पूरे काफिले और समर्थकों के साथ जिला आगमन किया। काफिला झुके ही से होता हुआ पकरिया आया और बदनपुर से मेहर घंटाघर पहुंचा, जहां पर नारायण त्रिपाठी ने मंच से मेहर जिला की जनता को संबोधित किया और उनका आशीर्वाद मांगा। बता दें कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ मेहर में उन्होंने आगमन किया। साथ ही उनके काफिले में गांव, नगर, शहर और मेहर जिले के बड़े बुजुर्ग, युवाओं और बहनों का भरपूर प्यार मिला। साथ ही उनका फूल और मालाओं से स्वागत किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें झाबुआ विधानसभा से डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। विक्रांत भूरिया को प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद विक्रांत भूरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। आमतौर पर देखा गया है कि चुनावी रण में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने प्रसार के लिए तरह तरह के नारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने एक मनमोहक कविता लिखकर क्षेत्र की जनता को अपनी तरफ लुभाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि सुर्खी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने क्षेत्र के विकास करने का दावा कर रहे हैं। गलियों और चौराहों से विकास का वादा है, हर कीमत अपनों से विश्वास का वादा है। चाहे कुछ हो, मैं इस मिट्टी के साथ खड़ा हूँ। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूँ। अपनी तमाम माँ बहनों को साथ लेकर चला हूँ, बच्चों और युवाओं को साथ लेकर चला हूँ। पहले भी था और अब भी साथ खड़ा हूँ। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूँ। सुर्खी और मेरा फूल और खुशबू जैसा रिश्ता है, सिर्फ सियासी नहीं, यहाँ तो लहू लहू का रिश्ता है। सुख हो या दुख हो, सभी के साथ खड़ा हूँ। सुर्खी मेरे साथ खड़ी है, मैं सुर्खी के साथ खड़ा हूँ। सुर्खी विधानसभा से मेरा बरसों पुराना नाता है, एक परिवार का संबंध है, एक परिवार का नाता है। मेरे मन में आया कि कविता के माध्यम से कुछ भाव प्रकट करना चाहिए, इसलिए मैंने चालाने लिखी और सुर्खी की जनता के लिए समर्पित की। किन्नर समुदाय ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। बता दें कि झाबुआ जिले के में किन्नर समुदाय के नसीम जान उर्फ रानी के नेतृत्व में समुदाय ने आम लोगों से मतदान करने की अपील की है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्वाचन में मतदान करने की बात कही। झाबुआ जिले के सभी मतदाताओं से अपील की गई कि आप अपना मताधिकार का उपयोग करें। मतदान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें मजबूत और राष्ट्र मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करना अति जरूरी है। हमारे एक मत से सशक्त और जनहित की सरकार बनती है। आप सभी झाबुआ जिले के निवासियों से
अनुरोध करती हूँ कि दिनांक 17 नवंबर 2023 को होने वाले चुनाव को आप अपना मतदान जरूर देवे तथा लोकतंत्र को मजबूत बनाए। जय हिंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।